हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुड, नाइस नाइस, वेरी फास्ट, वेरी स्मार्ट, हाँ ये। बेटा तुम्हें अपना घर बहुत पसंद है ना? नहीं पसंद। अच्छा तो तुम्हें अपने मम्मी पापा के साथ रहने का मन नहीं करता? नहीं, नहीं करता, थोड़ा भी नहीं करता, मैं उन्हें हेट करता। बेटा तुम उनसे गुस्सा हो क्या? हाँ बहुत गुस्सा हूँ। चलो खेलते हैं। यस। कमाल है, इतने छोटे बच्चे के मन में अपने माँ बाप के लिए इतनी नफरत है। सर हमने कहा था ना आपसे, इसीलिए इसे हम आपके पास लेकर आए। सर आप यकीन नहीं मानेंगे, ऋषि पूरे दिन भर हमारे घर में बैठा रहता है, इसके मम्मी पापा इसे बुला बुला कर थक जाते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने घर जाता है। सर हम इसे समझा बुझा कर इसे इसके घर पहुँचा के आते थे, सोचते थे कि चलो पड़ोसी का बच्चा है, लेकिन आज तो हद हो गई। हमें लगा जरूर कोई बात है, इसलिए हम इसे आपके पास ले आए। इसने हमें भी अभी तक कुछ खास बताया नहीं, इसलिए यहाँ लाना पड़ा। देखते हैं शायद ये बच्चों का साइकाइट्रिस्ट ऋषि के मन की बात निकलवा सके। अच्छा बेटा तुमको ड्राइंग आती है क्या? हाँ थोड़ी बहुत। तो मेरे लिए एक स्केच बनाओगे? हाँ अंकल, बताओ क्या बनाना है। एक फैमिली पेंटिंग, तुम और तुम्हारे मम्मी पापा। बनाओगे ना बेटा? ये क्या कर रहे हो? ये क्या बनाया तुमने? ये लोग मेरे मम्मी पापा है, ये लोग मुझे प्यार नहीं करते, ये लोग बहुत बुरे, ये लोग मुझे मार देंगे। बेटा तुम ऐसा क्यों सोचते हो? वो मुझे कुछ भी नहीं, कोई मेरी बात समझता नहीं। मैं समझूंगा, बताओ मुझे, बोलो। बोला ना मैं घर नहीं जाऊंगा, वो मुझे मार देंगे। लेकिन बेटा वो अपने प्यारे बेटे के साथ ऐसा क्यों करेंगे? मैं उनका प्यारा बेटा नहीं हूँ। तो कौन हो तुम उनके? ये बनाया है उसने। माँ बाप अपने ही बच्चे को मारना चाहता है? रजत दरवाजा खोलिए। ये लोग घर में नहीं है सर। कहाँ गए? पता नहीं सर, लेकिन दो घंटे पहले मैंने दोनों हस्बैंड वाइफ को कहीं जाते हुए देखा है। ऋषि, ऋषि कहाँ गए?
कहता अपनी माँ को छोड़कर तू? हाँ थैंक गॉड। ऋषि कहाँ थे आप लोग? कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप यहाँ कैसे? आपका बेटा कोई गलत काम ना करे इसलिए आपके पड़ोसी जिगर और सरिता ऐसे हमारे पास ले आए। ये कह रहा था कि ये आपके पास लौटना नहीं चाहता। पंकज जरा ऋषि को। चल ऋषि हाइड एंड सीक खेलते। तो ये बच्चा आपका ही है ना? तो फिर ये आप लोगों के साथ क्यों नहीं रहना चाहता? आप लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहता? ऐसा क्या किया आप लोगों ने इस बच्चे के साथ? सर हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमसे दूर क्यों जा रहा है ये। वही तो, कुछ तो किया है वरना बच्चा अपने माँ बाप से क्यों डरेगा? पता नहीं किसकी नजर लगी हमारे बच्चे को। बंद करो ये नौटंकी। आप लोग इस बच्चे को जान से मारना चाहते थे। क्या ये क्या कह रहे हैं? वही जो इस बच्चे ने हमें बताया। सर जरूर इसके दिमाग में किसी ने ये सब चीजें भरी हैं। रजत जी सच बात तो ये है कि आप लोगों ने इस बच्चे के साथ अपना सौतेलापन दिखाया। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए हम जानते हैं कि ऋषि आप दोनों का अपना बेटा नहीं है, आपने इसे गोद लिया है। ये किसने कहा आपसे? आपके बेटे ऋषि ने, सब कुछ मालूम है उसे। आप लोग इस बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं। आप लोगों का रिश्तेदार जिसका बेटा है ये ऋषि, मरने से पहले उसने अपनी सारी जायदाद ऋषि के नाम कर दी और आप लोगों की नजर उसके दौलत पे है। क्या? सर हम लोग तो ये भी भूल चुके थे ऋषि हमारा बेटा नहीं किसी और का बेटा है, हम तो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार कर रहे हैं सर। और सर अगर पैसे की बात है ना तो जिसे लेने ले जाए सारे पैसे, हमें कुछ नहीं चाहिए, एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए हमें। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है सर, हमें बस हमारा बच्चा चाहिए। सर हम ऋषि को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ सर हमने तो कभी नहीं देखा कि दोनों पति पत्नी ने ऋषि से ऊंची आवाज में बात की हो। हाथ उठाना तो दूर की बात है, क्यों भाई लोगों? जी 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 ठीक है, मैं ऋषि से बात करने की कोशिश करता हूँ। ऋषि बेटा एक बात बताओ, आपको मैं कैसे लगता हूँ? अंकल आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए है ना? हाँ। ये बात तो है, तो आप अपने दोस्त की बात मानोगे? हाँ। प्रॉमिस। तो बेटा आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर पे क्यों नहीं रहते? अंकल है? वो लोग मुझे मार देंगे। नहीं बेटा कुछ नहीं करेंगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अपने अंकल पे भरोसा है ना तुम्हें? हाँ अंकल आप पे फुल ट्रस्ट है मुझे। तो बेटा आप अपने माँ बाप के साथ रहो, कुछ नहीं होगा ठीक है? क्या हुआ? हाँ रहूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चॉकलेट खाओगे? हाँ। आओ। कितनी प्यारी लग रही है गुड़िया, ये लो ये लो। थैंक यू आंटी। खाओ। आंटी आप वहाँ पे जाके खेलो, तब तक ये चॉकलेट खत्म करके मैं भी खेलूंगी आपके साथ। नहीं नहीं बेटा एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ढेर सारे चॉकलेट और खिलौने भी दूंगी। सच्ची? हाँ चलो चलो। क्या है केतन, क्या मुसीबत है ये, कहाँ चली गई वो? अरे कहाँ जाएंगी, यहीं गई होंगी। ए रुक रुक, कहाँ ले जा रही है मेरे बच्चे को? हाँ छोड़ इसे, तेरी इतनी हिम्मत मेरे घर में घुसकर मेरी बच्ची को ले जा रही है? हाँ। मम्मी मुझे सुधा आंटी के पास जाना है। चुप कर तू, और तू तेरी तो दुआ मैं अच्छे से करवाती हूँ। केतन हाँ वो रही मम्मी। तो चुप कर,
सुधा दीदी, मयूरी और केतन से भी बात करनी पड़ेगी मुझे, बहुत हो गया। सुधा दीदी, आप घर से बाहर निकली क्यों? तुम लोग इसे बांध कर क्यों नहीं रखते हो? अगर अगर मेरी बेटी को कुछ कर देती है तो? हाँ, ईशा मेरी बच्ची है, मुझे आंटी के साथ गेम खेलना है। अच्छा, अच्छा मेरी बच्ची, हम खेलते हैं। पता नहीं इसने क्या जादू कर दिया मेरी बेटी पर। दीदी दीदी चलो घर चलो। अरे मैंने आप छोड़ो मुझे। दीदी चलो यहाँ से। आप क्या कर रही हो सब? आपको मना किया था ना घर से बाहर निकलने को, फिर आप क्यों आई? चलिए दीदी सॉरी। और एक बात सुनकर जाओ, खबरदार अगर मेरे घर के आसपास भी औरत दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। चल बेटा चल। देखो ना मेरी ईशा रो रही है, मुझे उसके पास जाने दो। दीदी दीदी एक बार आप ठीक हो जाओ फिर उसके बाद आप जिससे बोलोगे उससे मिलवा देंगे। अभी घर चलो। नहीं छोड़ो मुझे। कब तक कैसे चलेगा केतन? दिन ब दिन इनकी हालत बिगड़ती जा रही है, क्यों ना इनको हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हो? कम से कम इनका इलाज तो होगा वहाँ पे। नहीं मयूरी, चाहे कुछ भी हो जाए ये हमारे साथ ही रहेंगी, इनको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, इनका इलाज मैं करवाऊंगा। चलो दीदी चलो। अरे सुनो तो, इतनी नाराज क्यों हो रही हो? अब जल्दी जल्दी में मैं बर्तन धोना भूल गया, इसमें मेरी क्या गलती है? अब मान भी जाऊं ना। अच्छा ठीक है, मैं शाम को आता हूं, तुम्हें जो भी सजा सुनानी है सुना दो, मैं खुशी खुशी भुगत लूंगा बस। अरे मेरी प्यारी मेरी दुलारी, रोना मत, मेरा यहां काम पे मन नहीं लगेगा। अरे ये भी क्या बात हुई, खाने से नाराजगी क्यों? अगर खाना नहीं खाओगी ना तो कमजोर हो जाओगी, है ना? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, मैं शाम को आऊंगा, गुलाब जाम लेके आऊंगा, 200 उठक बैठक भी करूंगा। अब तो खुश हंसो हंसो। अब जल्दी से फोन रखो, अपना ख्याल रखना, एसीपी साहब आने ही वाले, समझे ना? अरे आप लोग यहाँ पे आ गए? हाँ हम लोग आ भी गए और तुम्हारी सब बातें भी सुन ली। अपने बीवी के लिए आज गुलाब जाम ले लिए हाँ? और उठक बैठक भी मारोगे, वैसे आज ऐसी क्या गलती की है तुमने? अरे सर वो जल्दी जल्दी में बर्तन धोना भूल गया। हेलो हाँ, लेकिन कैसे? ठीक है ओके, हाँ अभी आ रहे हैं। क्या हुआ? सर वो बच्चा ऋषि घर से गायब है। ऋषि गायब है? कैसे गायब हुआ ऋषि? सर वो बाहर खेलने गया था और फिर लौटा ही नहीं, हमने उसे सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला सर। मैंने तुम लोगों से कहा था ना बच्चे का ख्याल रखना, लगता मेरी बात तुम लोगों के समझ में नहीं आई। सर बात समझ में आई थी, मैं उसके साथ ही था, जहां जाता था उसके पीछे पीछे जाता था, लेकिन मेरे पीछे पीछे आने से वो चिढ़ने लगा था इसलिए उसे अकेले जाने दिया था। और सर वो हमेशा की तरह वही खेलने जाता था, हमें क्या पता था कि वो आज ही गायब हो जाएगा। चल घर में चारों तरफ देख लिया, ऋषि कहीं भी नहीं, मुझे तो लगता है कि इन दोनों ने गायब किया ऋषि को। सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप? ऋषि हमारे बच्चे जैसा था सर, हम उसके साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते हैं। अगर तुम दोनों ने उस बच्चे के साथ कुछ किया होगा ना तो मैं तुम दोनों की हाँ पंकज क्या बात कर रहे हो? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है हम लोग पहुंचते हैं, जो ऋषि को ढूंढने बाहर गया था पता चला सोसाइटी से 5 और बच्चे गायब हैं। क्या? अरे प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए, सर आ रहे हैं। सर सर क्या हुआ है? सर हमारे बच्चे, हमारे बच्चे प्लीज एक मिनट प्लीज शांत हो जाइए। आप लोग एग्जैक्टली बताइए हुआ क्या था, कैसे हुआ, बच्चे कैसे गायब? सर सारे बच्चे ऋषि के साथ ग्राउंड में खेलने गए थे और उनमें से किसी का कोई पता नहीं है। दिव्या अपने बेटे ऋषि के बारे में हमारे घर पूछने भी आई थी, पर हमें लगा वो हमेशा की तरह कहीं चला गया होगा। हाँ सर हमें क्या पता था कि ऋषि इस बार सबको साथ में लेकर चला जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? हम भी परेशान हैं कि हमारा नहीं मिल रहा है और आप ऋषि को ही दोष दे रहे हो। पंकज जरा वॉचमैन को लेकर। अजीब बात है, सारे बच्चे एक साथ गायब हो गए,
ये कोई संयोग नहीं है, बात कुछ और ही है। सर सब कुछ इन दोनों की वजह से हुआ है। इन दोनों की वजह से? सर इन लोगों ने अपने बेटे ऋषि को नहीं संभाला और उसकी देखा देखी हमारे बच्चे भी हमारी बातों का विरोध करने लगे। सारे बच्चे विरोध करने लग गए? जी मैडम, और मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। अरे लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है? नहीं तो किसका? हमारा कसूर है क्या? देखो जगर भाई, और ऐसे तमीज से बात हो। एक मिनट, आप लोग ये बताइए कि ये सारे बच्चे एक साथ ऐसे कैसे बिहेव करने लगे? मुझे ऐसा लगता है कि सबको ऋषि ने ही कुछ सिखा पढ़ा दिया होगा। देखिए किसी बच्चे पे इल्जाम लगाने से बेहतर है कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने में आप लोग हमारी मदद करें। हाँ, ऐसा कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से बच्चे ऐसे बदल गए। अच्छा ये बच्चों में ये बदलाव कब से है, कितने दिनों से? 4-5 दिनों से। 4-5 दिनों से? ये बच्चे साथ में कहीं पर गए थे क्या? हाँ सर, 4 दिन पहले सारे बच्चे सोनू की बर्थडे पार्टी में गए थे, है ना? हाँ हाँ सर, तभी से मेरी बेटी ईशा भी इसी तरह का बर्ताव कर रही है। सर याद आया, ऋषि भी उसी बर्थडे पार्टी से लौटने के बाद अजीब सा बिहेव करने लगा था। एक मिनट, ये सोनू कौन है, किसका बेटा है? सर मयूरी और केतन का बेटा है सोनू, इसी सोसाइटी में रहता है। सर वॉचमैन ये बताओ, ऋषि करण और ईशा और उसके बाकी के दोस्त कहाँ गए, कुछ देखा तुमने? हाँ साहब, सब बच्चे मैदान की तरफ गए थे 1 घंटा पहले, उसके बाद मैंने नहीं देखा था। वहाँ तो सारे बड़े बड़े बच्चे खेलते रहते हैं और वो तो एक नंबर के बदमाश हैं। वो लोग हमारे बच्चों को परेशान करते रहते हैं बस। सर मैं तो खुद प्लेग्राउंड से होकर आ रहा हूँ, ऋषि ईशा और करण और उनके साथ के दोस्त कोई भी नहीं है वहाँ पर। चलो इन बड़े बच्चों से पूछते हैं, शायद वो कुछ बता सके। ठीक है तुम मैदान की तरफ देख लो, मैं इस मयूरी और केतन से मिलता हूँ। आंटी देखो हम आ गए। बहुत अच्छा किया मेरे प्यारे बच्चों जो तुम लोग आ गए। आंटी हमें घर नहीं जाना, हमें आपके साथ ही रहना है। हाँ मुझे भी यही रहना है, मैं हमेशा यही रहूँगा। फिक्र मत करो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ये देखो इतने सारे खिलौने, लो क्या चाहिए तुम्हें, लो ये लो, ये लो, लो, लो। हाँ मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगी। आपको तो पता होगा कि आपकी सोसाइटी से बच्चे गायब हो रहे हैं। जी सर, लेकिन उसके बारे में हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। आपका बच्चा कहाँ है सोनू? मैडम वो वीकेंड है ना, तो स्कूल से आते ही अपनी नानी के घर चला गया। अच्छा उसका बर्थडे था ना 4 दिन पहले? जी हाँ, लेकिन सर हमारे बच्चे के बर्थडे के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? देखिए हमें ऐसा लगता है कि बच्चों के गायब होने की वजह आपकी बर्थडे पार्टी में छिपी होगी। क्या? पर सर हमारी पार्टी से बच्चों के गायब होने का क्या लेना देना? नहीं है लेना देना है, आप एक काम करिए, आप कुछ फोटो वोटो खींची थी आपने बर्थडे में, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह? हाँ सर वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। हाँ तो उसकी सीडी चाहिए हमें। जी मैं देता हूँ। ये कौन है? जी जी वो मेरी बहन है, तबीयत खराब है तो इसलिए वो। वो सीडी लाइए। जी आप लोग प्लीज यहीं पे रुकिए, हम लोग बच्चों से बात करते हैं, ठीक है? अरे एक बॉल मैं भी डाल दूं? हाँ थैंक यू।
गुड शॉट। थैंक यू सर। क्या नाम है तुम्हारा? राजू। गुड शॉट राजू। एक और बॉल डालता हूँ। सर आप बॉल डालो सर, मैं इसका कैच पकड़ता हूँ अभी। सर की बॉल पे छक्का मारा तूने। पंकज छोड़ना बात। सर मैं गिर गया सर, और वो चीटिंग है सर, मेरा कैच था, मेरा कैच था सर। चलो बच्चों, हमें आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? अच्छा ये बताओ कि ऋषि, ईशा, करण और उसके बाकी के दोस्त यहाँ पे आए थे आज खेलने के लिए? हाँ अंकल, पूरी छुटकू गैंग आई थी पर हमने उन्हें भगा दिया। क्यों? अंकल वो लोग हर रोज हमारी जगह पे आके खेलने लगते हैं और हम हर रोज उन्हें बोलते हैं कि जरा साइड में खेलिए, लेकिन वो लोग तो सुनते ही नहीं है और रातों झगड़ा भी करने लग गए थे। पता नहीं इतना दम कहाँ से आ गए उन लोगों में। अच्छा वो बच्चे यहाँ से कहाँ गए? अंकल हमारा झगड़ा चल रहा था और अचानक से बलून वाले अंकल की घंटी सुनाई दी, तो पता नहीं उनको क्या हो गया। क्या हो गया मतलब? वो लोग सब अपना बैट बॉल छोड़ के बलून वाले अंकल की तरफ भागने लगे। क्यों, वो लोग घर नहीं आए क्या? नहीं बेटा, वो लोग गायब है। सारी गलती हमारी है, हमें उनको हमारे साथ खेलने देना चाहिए था। हाँ ये बात तो है, वो लोग आपसे छोटे हैं, आप लोगों को उनका ख्याल रखना चाहिए था। अंकल वह प्लीज उन्हें कुछ भी करके ढूंढ लीजिए, आई प्रॉमिस कि अब से हम हर बार उनके केयर रखेंगे। ठीक है पंकज, बच्चों के माँ बाप से कहो घर जाने के लिए, पहले इस बलून वाले को ढूंढते हैं। ये चक्कर है। कौन सा चक्कर सर? एक मिनट से पॉज करो, अभी रिवाइंड करके वापस प्ले करो। ये देखो ये बच्चे जो गायब हुए हैं, इन सबके हाथ में देखो एक ही तरह का रिटर्न गिफ्ट है ना, और बाकी में अलग। हाँ सर, गायब हुए बच्चों के हाथ में जो बॉक्सेस हैं, उनके साइज और गिफ्ट रैप सब कुछ एक जैसा है। बच्चों को जानबूझ के ऐसे गिफ्ट दिए गए। हेलो मिस्टर केतन जी, कहिए। मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। जी सर बोलिए। अच्छा आपके बेटे सोनू के बर्थडे पार्टी में कुछ बच्चों को जो रिटर्न गिफ्ट हैं वो एक ही तरीके के दिए गए थे, आपको याद है? जी हाँ सर, वो मैंने और मेरी वाइफ ने लिए थे। हमें बच्चों के लिए अच्छे लगे तो हमने रिटर्न गिफ्ट ले लिए थे एक जैसे, बाकी दूसरे गिफ्ट ले लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उन गिफ्ट में था क्या? सर वो म्यूजिकल टॉयज थे सर, जिनको स्टार्ट करने पर लाइट निकलती है। लेकिन सर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं है, वो कहाँ से लिए थे आपने वो टॉय? सर वो मलाड में एक गिफ्ट शॉप है, रेनबो गिफ्ट शॉप, वहां से लिए थे। रेनबो गिफ्ट शॉप मलाड। ओके थैंक यू वेरी मच। ये जितने भी बच्चे गायब हुए हैं ना, उनके घर में पंकज और श्रेया को भेजो। ये सोनू के बर्थडे पार्टी में जितने भी रिटर्न गिफ्ट्स मिले उनको सबको कलेक्ट करवा लो। लग रहा है उसी में कुछ गड़बड़ है। यस सर। राइट सर। हाँ सर, मैंने बाकी घरों से ये खिलौना तो ले लिया। ओके सर। सर ऋषि के घर पंकज गया है खिलौना लेने। ठीक है ओके सर। पंकज, क्या
क्या खिलौना सुन रहे हो, बच्चे हो क्या? बंद करो, गाड़ी में बैठो, अभिजीत सर बुला रहे हैं। चलो चलो जल्दी। सुनो भाई साहब जी, यहाँ इस एरिया में वो एक फुगे वाला घूमता है, उसको देखा था आज? नहीं आज तो नहीं देखा। फुगे वाले को देखा है यहाँ पे? फुगा बेचता है। हाँ सर, यहाँ पे तो एक ही फुगे वाला है। हाँ, कहाँ है वैसा? अब आगे नाके पे देखिए, कॉर्नर पे, वहाँ होगा शायद। थैंक यू। पंकज प्लीज अंदर आओ। Oh my God! इतना अच्छा किंडरगार्टन! Yes! हम लोग को मजा आएगा इतना रूम में खेलने के लिए। ये क्या हुआ इसको? सर सर, ये ऋषि के घर गया था ये खिलौने लेने, इसको ऑन करते पता नहीं क्या हो गया उसे, तब से ऐसे बिहेव कर रहा है। प्रिंसिपल सर, मैं अच्छा लड़का हूँ सर, मैं अच्छा लड़का, मैं बुरा लड़का नहीं हूँ, सच्ची में प्रॉमिस। प्रिंसिपल सर खेलो तो हटो इधर, हटो इधर। सब इस खिलौने की वजह से ही हो रहा है। हेलो रजत जी। सर मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। सर सर, ऋषि का कुछ पता चला आपको? देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द पता चल जाएगा यार। देखिए नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने नोटिस किया था क्या, जो ऋषि है आपका बेटा, वो मेरा मतलब उसे हिप्नोटाइज किया गया हो, वो कुछ अजीब व्यवहार कर रहा था क्या? हिप्नोटाइज? नहीं सर, हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता सर, ऐसा तो नहीं, इसी वजह से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था सर। सर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, जैसे ही कुछ पता चलता है आपको खबर करता हूं। सर सर, रजत ने बताया कि ये ठीक कैसे होगा? उसे तो पता ही नहीं कि बच्चे हिप्नोटाइज हुए कि नहीं, जब मैंने उनसे पूछा तो शायद उसे लगा कि हिप्नोटाइज हुए थे। अरे यार, ये कोई तो ट्रिगर होगा जिसकी वजह से ये हिप्नोटाइज हुआ है, और किसी ट्रिगर की वजह से ये उससे बाहर भी आएगा। सर सर, ग्राउंड के बड़े बच्चे बोल रहे थे कि जब छोटे बच्चों के साथ उनका झगड़ा हो रहा था, तब अचानक एक बलून वाला आदमी आया, उसकी बेल की आवाज सुनकर छोटे बच्चे सब भूल भाल कर उसके पीछे दौड़ने लगे। वो बैलून वाला, उस बैलून वाले को पकड़ना पड़ेगा। भाई साहब। अरे हाँ पंकज, संभालो अपने आप। दीदी मुझे कुछ दिलाती नहीं है, पहले काम कर लेते फिर। अरे पंकज, दीदी आपने बोला था ना पहले काम तो करने दो। पंकज दीदी सुनती नहीं है। अरे पंकज, क्या कर रहे हो? भाई साहब संभालो अपने आप, ऊपर आओ तो जल्दी। पंकज क्या कर रहे हो? बालून बालून बालून। अरे दे रहे दे रहे, आराम से पंकज, आराम से। घंटी। पंकज पंकज क्या कर रहे हो? पंकज अरे पंकज पंकज पंकज, अरे पंकज ठीक हो? सर सर, ये लॉलीपॉप, ये क्या मजाक है? सर तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ सर। हाँ क्या हुआ सर? मतलब ये बेल, ये घंटी ट्रिगर है जिसकी वजह से पंकज ठीक हो गया। अब तू बता वो बच्चे कहाँ है? कौन से बच्चे साहब? वही बच्चे जो आज सुबह सामने वाली सोसाइटी से गायब हुए, जो तुम्हारे तरफ भाग के आए थे तुम्हारे इस घंटी की आवाज सुन के। साहब मुझे नहीं पता आप कौन से बच्चे को बात कर रहे हैं साहब। अच्छा ये नाटक बनकर समझा, जब से तू सुबह उस कॉलोनी में गया है तब से बच्चे गायब है। गायब वो बच्चे साहब? मैंने आज धंधा ही दोपहर के बाद लगाया साहब,
इसलिए मैं आज उस सोसाइटी में गया नहीं। तो लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे ब्यूरो ले चलते हैं। अच्छे अच्छे बोलते हैं वहाँ पे, चल। साहब मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया था साहब, सोजी की कसम मैं नहीं गया था साहब। देखो प्लेग्राउंड में बच्चों ने कहा कि आज सुबह उन्होंने इस बेल की आवाज सुनी, अगर तुम नहीं गए थे तो और कौन गया था वहाँ पे? एक मिनट साहब, मुझे याद आया, मेरा पड़ोसी शामू मेरी घंटी लेके गया था। झूठ बोल रहा है तू? साहब मैं सच कह रहा हूँ, रोजी की कसम साहब। कहाँ है शामू, कहाँ रहता क्या? मेरे पड़ोस की खोली में। चल Excuse me, हम लोग सीआईडी से हैं। ये खिलौना आप ही की दुकान का है? जी हाँ, मेरी ही दुकान का है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि इस खिलौने की वजह से बच्चे तो बच्चे ठहरे, एक बड़ा आदमी भी बच्चा बन गया है। परेशान कर दिया उसने हमें। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, इस खिलौने में तुमने ऐसा म्यूजिक क्यों डाल रखा है जिसे सुनते ही लोग हिप्नोटाइज हो जाते? ऐसा कैसे हो सकता है सर, मैं अभी चेक करता हूँ। नहीं नहीं सर, सर मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे कुछ खिलौने एक पति पत्नी ने खरीदा था और उन लोगों ने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही कर दिया था। क्या कहा उन लोगों ने? उन लोगों ने कुछ ऐसे ही खिलौने सेलेक्ट किए थे और इसका म्यूजिक भी सुना था उन्होंने। लेकिन शाम को एक औरत आई और उसने मुझसे कहा कि इन सारे खिलौने की म्यूजिक बदल कर उसकी पसंद का म्यूजिक इसमें डाल दो। कौन थी वो? सर ये तो मुझे नहीं पता, उसने मुझसे बस इतना कहा किसी खरीदने वाले को इसका म्यूजिक पसंद नहीं आया, इसे बदल दो और उन लोगों की पसंद का इसमें म्यूजिक डाल दो। और उसी ने मुझे इसका म्यूजिक भी दिया। उस दिन की फुटेज है ना तुम्हारे पास? यस मैम। दिखाओ जरा। वो औरत ने हमें पैसे दिए थे बच्चों को उठाने के लिए। कौन औरत? सुधा जी। सुधा जी? हाँ सर। हाँ बोलो। खिलौने की दुकान में उस खिलौने का म्यूजिक चेंज किया सुधा जी? ओहो ठीक है, बच्चे और सुधा कहाँ हैं? आप लोग ठीक है? अंकल हमें बचा लो अंकल। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, हम लोग आ गए। ये ऋषि का है? और सुधा? सुधा आंटी का है? सुधा आंटी ऋषि को लेके भाग गई। सुधा आंटी भाग गई? सुधा को पकड़ना होगा, वो ऋषि के साथ ज्यादा दूर नहीं गई होगी, कहीं ऋषि को कुछ करना दे। चलो अंकल। अंकल सुधा आंटी ऋषि को बचाना चाहती थी, उससे मारना नहीं चाहती थी। मतलब यहाँ पे एक बैड अंकल आए थे, वो ऋषि को हर्ट करना चाहते थे। हमने और आंटी ने उनको रोका और सुधा आंटी ऋषि को लेकर भाग गए। कौन था वो आदमी? पता नहीं अंकल, उनने अपना चेहरा ढका हुआ था, हमने उनको देखा नहीं। और आप लोगों में से किसी को भी कुछ नहीं किया उसने? हाँ अंकल, वो तो सिर्फ ऋषि को पकड़ रहे थे। सिर्फ ऋषि को? अब ये क्या चक्कर है, सिर्फ ऋषि को क्यों मारना चाहते हैं? कहीं ये आपसे दुश्मनी का कोई मामला तो नहीं? हमें छोड़ दो,
बच्चे रोते नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं बचाऊंगी तुम्हें, डरो मत, देखो भगवान साथ है हमारे, हमें कुछ नहीं होगा। अरे कोई है, बचाओ। मजा आएगा, बम फटेगा और तुम दोनों के चीथड़े उड़ेंगे। कौन सा फोड़ू, कौन सा फोड़ू, कौन सा फोड़ू। छोड़ दो उसे। अरे उस मासूम बच्चे को छोड़ दो, उस नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो उसे। मरेंगे तो दोनों, लेकिन पहले कौन मरेगा ये सोच रहा हूं। कोई नहीं, अक्कड़ बक्कड़ कर लेते। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो अस्सी नब्बे पूरे नहीं सौ। ये बच्चा मरेगा। आंटी बचाओ, आंटी आंटी बचाओ। चलेगा तुझे मौत का डर किसे कहते हैं। हमने तो कभी नहीं देखा कि दोनों पति पत्नी ने ऋषि से ऊंची आवाज में बात की हो। मामूली से झगड़े की वजह से तुम बच्चे की जान लेने चले थे? हाँ, किसी इंसान की जान इतनी सस्ती होती है क्या? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आया जब जब रजत ने मुझे पैसे देने से इंकार कर दिया और चार पांच लोगों के सामने भला बुरा सुनाया। जब तक वो तुम्हें पैसे दे रहा था तब तक वो आदमी अच्छा था, एक बार मना कर दिया तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया है? तुम्हें पालने का ठेका लेके रखा था उसने, बाप से बदला लेने के लिए बच्चे को मारने चले थे तुम। बच्चे हम बड़ों से बहुत अच्छे लड़ते हैं लेकिन पल भर में भूल भी जाते हैं, लेकिन हम बड़े छोटी सी बात को दिल से लगा बैठते और उसके बाद बदला लेने की सोचते। आई एम सो सॉरी सर, अंधा हो गया था मैं अपने अहंकार में, मुझे मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मुझे मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे मुझे माफ कर दीजिए सर। पंकज पंच ले जाओ सर। ऋषि 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 मेरा बच्चा, सब मेरी गलती है, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है,
लेकिन उनके माँ बाप मुझे उनसे मिलने ही नहीं देते। I'm sorry, मम्मी, I'm sorry, डैडी। इसलिए मैंने उनको हिप्नोटाइज किया और अपने पास बुलाया ताकि मैं उनको हमेशा अपने साथ रख सकूं। सर, सर मेरी दीदी को माफ कर दीजिए सर, इन्होंने जो कुछ भी किया वो अपनी बीमारी की वजह से किया सर। हाँ केतन, लेकिन सुधा ने जो कुछ भी किया वो भी गलत है, मगर इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए पहले हम इनका इलाज करवाएंगे। और रही बात सजा की, वो हम कानून पे छोड़ देते हैं। शेफ, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.